वेलकम टू माय चैनल, आई एम छवि। तो आज भी मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आई हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है, पर मैं बहुत जल्दी से बनाने वाली थी और रिक्वेस्ट आया तो मैंने सोचा कि इसे बहुत जल्दी बनाना चाहिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम लोग अपने ब्रशेज, मेकअप ब्रशेज इस्तेमाल जो करते हैं उन्हें हम साफ कैसे करें। हम लोग जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं, अगर हम खाना खाते हैं तो डेफिनेटली उसके बाद उन बर्तनों को हम साफ करते हैं, फिर उसके बाद हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हम अपने मेकअप ब्रशेज को कैसे भूल सकते हैं और इन्हें साफ करते हैं हम लोग? बहुत सारे लोग इन्हें साफ करना भूल जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है कि इन्हें साफ करना कितना जरूरी है। अगर हम इन्हें साफ नहीं करेंगे तो हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, खराब हो सकती है, पिंपल एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी स्किन के ऊपर आ सकती है अगर हम इन्हें साफ नहीं करेंगे। तो अगर हम बर्तनों को साफ करते हैं तो डेफिनेटली इन्हें भी साफ करना बहुत जरूरी है। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ आपको। आपको बहुत ही कम दाम में घर पे आप इन्हें बहुत आसानी से और इजी वे में किस तरह से साफ कर सकते हैं ताकि और कैसे कि ये खराब नहीं हो, इस वे में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम घर पे इसे साफ कर सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, इस वीडियो को मैं छोटा ही करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा उस रेड बटन को हिट करके जो आपकी स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड पर, नो राइट साइड पर है, तो प्लीज उसे हिट जरूर कीजिएगा। और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, अपनी हेल्थ को और अपनी स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए ये टिप मैं आपको देने वाली हूँ आज बहुत ही कम दाम में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले आपको एक गुनगुना पानी ले लेना है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसमें आप अपना कोई भी शैम्पू मिला सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आपको शैम्पू लेना है। अगर आपके पास बेबी शैम्पू है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वरना आपके पास जो भी शैम्पू है आप उसको थोड़ी अमाउंट में इस तरह से पानी में ऐड करके अच्छे से उसे मिक्स कर देना है पानी में। उसके बाद आप अपने सारे के सारे ब्रशेस को इस तरह से उसके अंदर डिप कर देना है ताकि उसके सारे के सारे ब्रिसल्स जो हैं वो पानी के अंदर आने चाहिए। इस तरह का बाउल आपको लेना है। मैं वाइट इसलिए ले रही हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें कि मैं क्या कर रही हूँ। इस तरह से उसे डिप करना है और कुछ देर के लिए डिप करके रखना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे फाउंडेशन और ये सब कुछ कॉम्पैक्ट वगैरह सब निकल के पानी में आना शुरू हो गया है। पानी इसलिए गुनगुना लेना है, बहुत ज़्यादा ठंडा लेंगे तो अच्छे से क्लीन नहीं होगा और बहुत ज़्यादा गर्म होंगे तो ब्रशेस ख़राब हो सकते हैं, इसलिए आपको गुनगुना पानी लेना है। इस तरह से हर एक ब्रश को आपको थोड़ा थोड़ा करके हिला लेना है ताकि अच्छे से उसमें से जो भी डर्ट है वो सब कुछ निकल जाए। आप क्लियरली देख सकते हैं कि सारी की सारी फाउंडेशन जो है वो उसमें से निकल चुकी है। अच्छे से उसे हिला लें इस तरह से और फिर इसे थोड़ी देर के लिए फिर से छोड़ना है आपको। और ब्रिसल्स बिल्कुल ख्याल रखें कि पानी के अंदर ही आनी चाहिए इस तरह से। ये कुछ और भी ब्रशेस थे जो मैंने डाल दिए इसमें ताकि ये साफ़ हो जाए। इसके बाद आपको इस तरह से ब्रशेस को निकाल लेना है। आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा हो गया है और आपको इसे खुले पानी में इस तरह से धो लेना है जैसे कि मैं धो रही हूँ। एक एक करके आपको सारे के सारे ब्रशेस को धोकर रख लेना है अपने पास, अच्छे से धोना है ताकि सब कुछ निकल जाए खुले पानी के साथ इस तरह से। जब ये धुल जाए तो इसे थोड़ा स्क्वीज करके इस तरह से निकाल लेना है आपको पानी को अच्छे से। और इसके बाद आपको धुले हुए ब्रशेस को एक टॉवल के ऊपर रखना है। टॉवल ले सकते हैं, कोई कपड़ा ले सकते हैं जिसमें पानी जो है वो अच्छे से सोख जाए। और इस तरह से अगले ब्रिसल्स पर आपको इस तरह से थोड़ा थोड़ा करना है ताकि पानी, एक्सेस पानी जो है वो निकल जाए अच्छे से। इस तरह से हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से दबाना है। और इसके बाद आपको ब्रिसल्स की शेप जो है उसे अच्छे से मेंटेन रखना है। आपको ख्याल रखना है कि ब्रिसल्स जो है वो ज़्यादा इधर उधर नहीं हुए हों पानी से ताकि उनकी शेप सूखने के बाद ख़राब नहीं हो। ये देखिए, इसको सीधा कर लेना है आपको हर एक को इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। देख सकते हैं पूरा का पूरा डर्ट जो है वो निकल चुका है। आप पहले अगर ब्रशेस को देखेंगे तो पूरा का पूरा फाउंडेशन जो था वो अटका हुआ था उसमें और ये बिल्कुल साफ हो चुके हैं। इसको अब हमें थोड़ी देर के लिए रख देना है सूखने। सो गाइस, इसके बाद आपको इस पानी को फेंक देना है क्योंकि ये गंदा हो चुका है। और कंटेनर को कर लेना है साफ और मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब ताकि आपको इस तरह की वीडियोस जो है वो मिलती रहे। मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मेरी अगली।